हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, मैथ वन के 7 चैप्टर कराने के बाद अब मैं मैथमेटिक्स टू के 7 या 8 चैप्टर कराऊंगा, एंड आफ्टर दैट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और फिर जो बचा है उसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो मैथ टू चालू करने का यही कारण है क्योंकि मैथ वन में काफी ज्यादा कुछ मैं आपके लिए कर चुका हूँ, ठीक है, और मैथ टू आपका काफी पीछे, तो इसलिए मैंने इसको चालू कर दिया। वरना मैंने सोचा था कि इसको पूरा खत्म करेंगे फिर इसको चालू करेंगे। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1.1 के बेसिक्स, जिससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग जानते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीधा दसवीं के बाद हमारे पास आया है। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहले के टाइम पे जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ मैथमेटिशियन थे और यूलर एक और मैथमेटिशियन थे, इनका भी नाम यूलर था, ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को इक्वेशन दे रहे थे, सब लोग सॉल्व कर रहे थे। तो भाई एक मैथमेटिशियन ने इक्वेशन लिया कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या होगा, इसकी एक्स की वैल्यू बताओ। तो यूलर ने बता दिया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। फिर यूलर ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। तो उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। फंसा दिया यूलर ने। यूलर ने सामने वाले मैथमेटिशियन को ये वैल्यू दी और बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब फंस गए सामने वाले मैथमेटिशियन। अब यूलर भी सोच में पड़ गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आंसर हमें भी पता नहीं रहता है। तो अब सोच में पड़ गए कि सब आखिर माइनस 1 का रूट क्या होगा। अगर नंबर पॉजिटिव होता है उस पे हम रूट लेते हैं तो दो आंसर आ जाता है प्लस माइनस पे। बट अगर एक माइनस वाले का रूट निकाले, क्योंकि आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों को माइनस में मिलता था, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में मिलता तो रूट्स रियल नहीं होते थे, हम लोग लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल, है ना। और ऐसा मिलने के बाद हम लोग इसका आंसर भी नहीं सॉल्व करते थे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आया तो हम लोग इनवैलिड करके इसको छोड़ देते थे। याद आया लास्ट ईयर क्या किया था हम लोगों ने? नहीं याद है, कोई बात नहीं, फिर से देख लो। रूट जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम लोग उसको इनवैलिड बता के छोड़ दिया करते थे। तो यहाँ पे माइनस 1 आया है, क्या ये भी इनवैलिड है? कब तक ये इनवैलिड रहेगा? कोई तो ऐसा होगा जो इसको वैलिड करके दिखाएगा, वो थे यूलर। यूलर ने बोला सीधी सी बात है, मैं एक नंबर देता हूं, माइनस 1 का रूट होगा आयोटा, माइनस 1 का रूट होगा आयोटा। यहां से शुरू हुई कहानी आयोटा की। माइनस 1 रूट माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? आयोटा। तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे रूट माइनस 25 क्या होगा, तो लिखोगे 5 आयोटा। क्वेश्चन आएगा रूट माइनस 16 क्या होगा, लिखोगे 4 आयोटा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन आए रूट माइनस 25 तो इसको ऐसा लिखना रूट माइनस 1 इंटू रूट 25, तो रूट 25 हो गया 5, रूट माइनस 1 हो गया आयोटा, समझे। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये आंसर तभी आएगा जब एक वैल्यू माइनस रहेगी एक वैल्यू प्लस रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये तो बेसिक हो गया आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इन्वेंट हुआ, क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि आयोटा के बारे में थोड़ी खास बातें जानते हैं, और हम लोग देखते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। चलो अब आयोटा के बारे में सीखते हैं। ये होता है आयोटा, ये आई थिंक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था? यूलर ने। चलो ठीक है, अब इंटीग्रल पावर्स के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस 1, ठीक है, बट ये वैल्यू को हम लोग आयोटा की जगह पुट नहीं करेंगे, आयोटा को आयोटा ही लिखेंगे, ठीक है। तो आयोटा तो हो गया, अगर मैं आयोटा स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रैकेट रूट हट जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इधर पावर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या निकली? माइनस आयोटा। आई होप कि आप लोग बुक में लिख रहे हो सब कुछ, पिक्चर की तरह मत देखो भाई। आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू आ गई 1। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए आयोटा पावर 729 क्या होगा, आयोटा पावर 844 क्या होगा, तो आप लोग इसको 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर मैं 4 इधर लेता हूँ तो बाहर क्या बचेगा? बाहर बचेगा 211, है ना, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। आयोटा पावर होता है 41, तो 1 हो गई इसकी पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो आयोटा पावर 729, यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 418 + 72, ठीक है, 18 2 जा, ठीक है, और उसके बाद एक आयोटा हम लोगों का बच जाएगा। 182 4 जा देखो हम लोगों का हो गया 4 2 जा 8 4 8 जा 32
फोर वन या फोर सेवन 28 हो गया, बट एक बच रहा है तो एक को हम लोगों ने साइड में लिख दिया, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि आयोटा पावर 4 1, और 1 पे कितना भी नंबर आ जाए 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू आयोटा इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा। समझ गए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ लो आपको आयोटा पावर माइनस 8 की वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट पावर माइनस में तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो 1 अपॉन आयोटा पावर 4 8, ठीक है, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 8 में अगर मैं 4 का मल्टीपल लेता हूँ तो इसको 4 2 जा लिख सकता हूँ, और ये होता है 1, तो वैल्यू आ गई 1, खत्म, है ना। तो माइनस रहेगा तो नीचे लेकर चले जाना। एक और चीज बताता हूँ, अगर आयोटा की पावर जो है वो कंजिकेटिव रहे, ठीक है, जैसे मिसिलेनियस में आपको एक क्वेश्चन दिया है, आयोटा की पावर अगर कंजिकेटिव रहती है, कंजिकेटिव मीन्स 1 प्लस आयोटा पावर 2n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 6n, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई दे आंख बंद करके लिख देना वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे एक एक्सरसाइज में भी हम लोगों को क्वेश्चन है, आई थिंक आई शुड सॉल्व दैट। इसके बाद हम लोग छोटा सा सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन है अपनी टेक्स्ट बुक में दिया है, आयोटा 1 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 20 प्लस आयोटा पावर 30, क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो 1 प्लस आयोटा पावर 10, ये देखो 0 आएगा, बट मैं प्रूफ कर रहा हूँ 0 आखिर आएगा कैसे, ठीक है। तो अगर मैं इधर 4 लेता हूँ तो इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, इधर 4 लेता हूँ तो बाहर आएगा 5, इधर 4 लेता हूँ तो बाहर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर 1 प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, बट ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, और आयोटा पावर 4 इंटू 7 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 वैल्यू आ गई 0, ठीक है। ध्यान रखना जब भी ऐसा कंसेक्यूटिव दिखे ना आग बंद करके बोल देना आंसर क्या है 0। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछेंगे तो उसमें काफी ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये तो हो गए इंटेग्रल पावर। अब हम लोग देखते हैं आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको लिखना। देखते हैं आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया जाता है जेड से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आयोटा बी से। इसमें जो ए होता है ये होता है हमारा रियल पार्ट, और जो आयोटा बी है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी है, हमने इसको अपनी थिंकिंग से बनाया है, कोई असली प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है हमारे पास, है ना। यूलर ने इमेजिनरी नंबर चूज कर लिया था आयोटा को, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। अब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें कंपेयर करना रहेगा, समझ लो जेड, आपको जेड देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन है, जेड आपको दिया है 2 + 3 आयोटा, आपको बोला ए प्लस आयोटा, मतलब ये उसका क्या है जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको पूछे की वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लो तो ए की वैल्यू आ गई 2, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ तो बी की वैल्यू आ गई 3। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको डिनोट किया जाता है जेड से, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के। अभी हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि जब भी आपको ऐड करना रहेगा ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड या फिर रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। सब्ट्रैक्शन में भी यही करना, हाँ मल्टीप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में देखो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते तो सेम जैसा हम लोग नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करते, जैसे 2 + 3 आयोटा है और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा, इधर हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा 2, तो 2 + 3 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा, तो ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहा दैट 5 / 1 माइनस आयोटा, तो ध्यान रखना जैसे डिनोमिनेटर में रूट रहता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम रूट को नहीं देख सकते वहां, तो उसी तरीके से जब डिनोमिनेटर में आयोटा रहता है तो हम लोग उसको नीचे नहीं देख सकते, वी शुड रिमूव दैट आयोटा, एंड फॉर रिमूविंग दैट आयोटा वी विल मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट ऊपर नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 + आयोटा 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 1 + आयोटा, और a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया 5 + 5 आयोटा, नीचे 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 + 1, तो देखो डिनोमिनेटर से रूट साफ हो गया, बस याद रखना, रेशनलाइज करते हैं। अब आपने पूछा कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो देखो जब भी आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना रहे ना, जब भी आपको बोले कॉन्जुगेट फाइंड करो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें रियल पार्ट की जो साइन रहेगी उसको पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे वही रहने देना, उस साइन को एकदम मत चेंज करना, हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करना हमेशा, और रियल पार्ट की साइन को बिल्कुल मत चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, ओके, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आया होगा, इवेंचुअली मैंने जब 1.1 कराया था तो मैंने आपको ये नहीं बताया था, ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई थी उतने डिटेल में, इसलिए मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो,
ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन है 3 iota का कॉन्जुगेट लिखो, है सर 5 iota का, तो 5 iota का कॉन्जुगेट -5 iota हुआ। अब एक रियल नंबर यहाँ पे दिया था, कुछ नहीं है, खुद से ले लेते, 3 है, ठीक है, सर एक है -√-5, ऐसा कोई नंबर है तो इसको पहले चेंज करो, -√5 iota हो गया, तो इसकी वैल्यू √5 iota आ गई, है ना, साइन चेंज हो गई कॉन्जुगेट में। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करना, किसकी चेंज करोगे, सिर्फ इमेजिनरी की। समझ लो एग्जाम में आ गया 3+0 iota का कॉन्जुगेट लिखो, ठीक है, तो आप -3-0 iota मत लिख देना, सिर्फ इसकी साइन को चेंज करना, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्वेश्चन आया 3 का कॉन्जुगेट लिखो, तो -3 मत लिखना, रियल पार्ट की साइन वैसे ही रहेगी हमेशा, जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसकी साइन चेंज होगी, इमेजिनरी पार्ट कौन, आयोटा के साथ वाला, ठीक है, समझ गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कि आई होप आप लोगों को इसमें से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी के साथ साथ एक्स प्लस आयोटा वाई के भी साथ इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वही है कंपैरिजन वगैरह जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, और हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना। कभी भी अगर कॉन्जुगेट लेने को बताए तो हमेशा इमेजिनरी का चेंज करना, रियल का चेंज मत करना। जैसे आपको क्वेश्चन है 2, तो -2 मत लिखना, ये 2 ही रहेगा, बट अगर 2 iota आ गया तो -2 iota आप लोग लिखोगे, ठीक है। जितनी भी चीजें बताए उनको नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1।